एक्चुअली वो सन लो का एक ही गाना है, बाबू रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो, रट्टा मारने से क्या होगा सर उस... बचपन से हमेशा मुझे एक ही चीज का डाउट था, कंफ्यूजन हो जाता था। हर टीचर से मैंने एक ही बात पूछता था, सर हम इंग्लिश वोकैबुलरी लर्न तो करते थे, भूल क्यों जाते? एक्चुअली वो सन लो का एक ही गाना है, बाबू रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो, रट्टा मारने से क्या होगा सर, उसके बारे में कुछ तो समझाइए। लेकिन मैं आप लोग को रट्टा नहीं मारने दूंगा, इस वीडियो के जरिए इंग्लिश वर्ड मीनिंग आपको दिमाग में ढुका देंगे, नस नस डीएनए में घुस जाएगा आपका। जैसे कि एक वर्ड मैं लेकर आया हूँ, उसका कहानी सुनिएगा, सेरामिसिस्ट। वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है, शायद सुने भी होगे नहीं सुने होगे। सेरामिसिस्ट, सेरामिसिस्ट मतलब होता है क्या, कुम्हार, जो कुम्हार मिट्टी का, कुम्हार मिट्टी का बर्तन वर्तन बनाता है, मिट्टी का मूर्ति उर्ति। सर कोई इजी वर्ड, थ्रोअर, THROWER, बॉल फेंकने वाला नहीं, थ्रोअर मतलब भी कुम्हार होता है, थ्रो मतलब फेंकना, भर फॉर्म। सर सेरामिसिस्ट इंग्लिश ग्रामर में क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखा जाएगा, ये एक नाउन फॉर्म है, हिंदी में उसे कहते हैं कुम्हार। सर कोई और वर्ड, सिनोनिम्स वर्ड सेरामिसिस्ट का कुछ और भी डिफरेंट, रफ लैंग्वेज में रफ कोई वर्ड, पॉटर। पॉटर मतलब कुम्हार भी होता है, अब पॉटर को भर्व के रूप में अगर देखा जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से भर्व के रूप में देखा जाएगा, पॉटर का मतलब होता है मस्ती मजाक में समय बिताना को कहते हैं पॉटर। तो इस तरह से अगर कहानी अगर बनाकर किसी वर्ड को अगर दिमाग में अगर आप याद कीजिएगा ना, अपने टीचर लोग को बोलिए कि इस तरह से कहानी बनाकर सर सुनाइए, हर एक वर्ड मीनिंग आपको जिंदगी भर याद रहे, गारंटी दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, अच्छा लगा हो ये वर्ड मीनिंग तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, मैं आपका सक्सेस।